that instead of in English, why don't we have this series in Urdu? Right? Because there are so many lectures in English available online, but if they put it online, it might be better if we had it in Urdu. So there is a very large Urdu speaking base, right? So we have all of Pakistan and most of North India, for example, Middle East. So maybe there are people who want it. And by the way, there were some requests that I should answer some of the questions in English as well. So that got me thinking. It'll not be easy. I'm not sure why it won't be easy, but I was thinking about it. And so when you're sort of used to teaching technical stuff in English, it becomes very difficult to translate some of the things in Urdu. And so I'm not sure how it'll go. But you guys want it? Yeah, give it a try? What do you think, Janet? Fine. I'm gonna take it. Mom? You don't care? Either way, as long as you get to learn whatever you know. That's the yeah. Okay, let's try it. You can give it a go, right? Well, in the beginning, for example, I don't know. So, Babur was giving a talk somewhere. Oh, I know it. A place. And he was like, and those were popular talks. And so I introduced him, and those talks were supposed to be in Urdu. And so I introduced him in Urdu, and I used some of the sort of Ma Badutta Biyadi kind of word. And he was like, what? This is one of us. And so he came onto the stage and said, well, we were students, and when somebody had asked us to sort of give a presentation in English, we would start tumbling over. And now if somebody asks us to sort of say things in Urdu, technical say things in Urdu, it's the same reaction. So I'm not sure how it's going to go. But let's see. So where were we? तो हमने टेंसर कैलकुलस शुरू किया राइट अच्छा तो टेंसर कैलकुलस Christofle Symbols, right? So let me just इसको दोबारा लिख लेते हैं कलम. So हमने ये चीज लिखी थी. अच्छा, basically आप इस चीज को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, right? और so जब आप इस चीज को किसी बेसिस में लिखते हैं, तो वो ऐसे बन जाती है, right? और फिर जब इसको आप डिफरेंशिएट करते हैं, तो ना सिर्फ आपको ये एक कंपोनेंट्स को डिफरेंशिएट करना पड़ता है, बल्कि आपको बेसिस को भी डिफरेंशिएट करना पड़ता है. और क्योंकि ये खुद से एक वेक्टर है और ये बेसिस है, तो इसको आप इस बेसिस के लिए कम्बिनेशन में लिख सकते हैं. सो यहाँ पे अब मुझे याद नहीं कि मैंने अल्फा बीटा लिखा था या बीटा अल्फा लिखा था, लेकिन ये एक सॉर्ट ऑफ रैंडम सी असाइनमेंट है. लेकिन जब आप एक बार कर ले तो फिर उसको चेंज मत करें. और आखिर में हम देखेंगे कि ये सिमेट्रिक है बेसिकली, ठीक है? ये कनेक्शन जो है ये जी आर में हम सिमेट्रिक कनेक्शन यूज करते हैं. सो ये एक लीनियर कॉम्बिनेशन, राइट? सो एक बेसिस वेक्टर की एक चॉइस के लिए और जिस कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट टू आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं उसकी एक चॉइस के लिए ये दोनों सेट हो गए और ये लीनियर कॉम्बिनेशन.
राइट समझ आ रही है। अच्छा सो अगर आप ये यूज करें तो फिर आप इस चीज को आपने देखा था कि आप लिख सकते हैं इस तरीके से पार्शियल वी अल्फा पार्शियल एक्स बीटा बी गामा अल्फा गामा बीटा यहां तक किसी को कोई सवाल हो अच्छा अब हम यहां तक तो पहुंच गए हैं लेकिन इसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर्टीज है उसको हमने डिस्कस करना था हमने ये देखा था कि ये खुद से एक टेंसर नहीं है अगर ये टेंसर नहीं है और इस तरफ एक टेंसर है और ये एक टेंसर है तो इसका मतलब ये टेंसर नहीं हो सकता अब ये खुद से वेक्टर है तो इसका मतलब ये टेंसर नहीं है तो इसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर्टीज है वो आपको डिस्कस करनी पड़ेगी ठीक है और आपको देखना पड़ेगा कि ओवरऑल ये किस तरह से ट्रांसफॉर्म होता है अगर हम सो जब हम कहते हैं कि ये वेक्टर है और गिवन बीटा ये वेक्टर है अगर आप इस बीटा को कोई वैल्यू दे देते हैं आर या थीटा फॉर एग्जांपल पोलर कोऑर्डिनेट्स में या आर या थीटा या फाइ या रो या फाइ जो भी आपके कोऑर्डिनेट्स हैं उनमें से कोई एक वैल्यू दे देते हैं इसको तो फिर ये जो है ये कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर है ये बेसिस है ये वेक्टर बन जाता है लेकिन अगर आप बीटा को एक एब्स्ट्रैक्ट इंडेक्स के तौर पर ट्रीट करें तो फिर इसकी ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर्टीज कैसे टोटली कैसे ट्रांसफॉर्म करता है राइट So let's discuss that. So let's go down and discuss that. This is going to be somewhat of a long exercise. पहले उस पहली वाली टर्म को देख लेते हैं अगर हमने उसको एक बार किया हुआ है लेकिन उसको दोबारा देख लेने में हर्ज कोई नहीं अगर मैं ये चीज लिखूं राइट और इसको मैंने किससे जोड़ना है या पार्शियल बीटा और बी अल्फा से राइट तो ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है राइट और मैं किसी और कोऑर्डिनेट सिस्टम में जा रहा हूँ और मेरे पास जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिसेस हैं उनको हम एल अल्फा बीटा वगैरह कहते हैं राइट एवरीबॉडी इज ओके विद दिस राइट अच्छे तो इसकी ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर्टी तो आपको पता है वो है एल बीटा बीटा बार सो डी बीटा ये ऐसे ट्रांसफॉर्म होगा राइट और इसकी ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर्टी भी आपको पता है और वो है एल अल्फा अल्फा बार और एस राइट अब अगर आप अब ये जो चीजें हैं ये खुद कोऑर्डिनेट्स के फंक्शन है राइट तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास दो टर्म्स आती हैं पार्शियल बीटा वी अल्फा प्लस बीटा बार वी अल्फा ठीक है अब सिर्फ थोड़ा गड़ो भी ये यहाँ पे आते हैं अच्छा अब ये जो टर्म है ये एक टेंसर की ट्रांसफॉर्म हो रही है लेकिन ये गड़बड़ कर रही है टर्म और अब अगर इसी तरीके से जब आप इसको ट्रांसफॉर्म करें और वो टर्म गायब हो जाए तो आप शो कर सकते हैं कि ये सारी चीज एक टेंसर की तरह ट्रांसफॉर्म कर ये हमारा ऑब्जेक्टिव है सो उसके लिए आपको इसकी ट्रांसफॉर्मेशन देखनी पड़ेगी ठीक है अच्छा अब इसको आपने डिफाइन कैसे किया हुआ आपने इसको डिफाइन ऐसे किया हुआ है डी बीटा ई अल्फा बार सो दिस थिंग अच्छा ये जो चीज है ये किस चीज के इक्वल है ये है गैमा बार ई गैमा बार बीटा बार अल्फा बार नोट्स में मैंने अल्फा बार बीटा बार ठीक है ये ठीक है ये इस इक्वेशन के थ्रू हमने इसको डिफाइन किया है राइट अब इनकी ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर्टीज हमें पता है सो हम इसको ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं तो ये बन जाएगा एल बीटा बीटा बार डी बीटा
alpha bar. And so we write this as theta bar alpha bar d beta e alpha plus l beta beta bar e alpha d beta l alpha bar. अब इसमें से transformation properties कैसे निकलेंगी? कैमर क्रिस्टोफर सिंबल ये एक एक्सरसाइज भी है आपकी शर्ट्स में और मुझे बताइएगा मैं पिछली दफा आपको देना भूल गया होमवर्क मैंने लिखा हुआ है मैंने होमवर्क दिया था जुनैद नो सर थैंक यू वन ऑफ योर जॉब इज एक्चुअली टू नैग मी अबाउट द होमवर्क एज वेल So this is L beta, beta bar, L alpha, alpha bar, gamma mu, alpha beta, E alpha. ये बार नहीं है, ये वेक्टर है. सर ये mu होगा. अच्छा और यहाँ पर इसको अगर हम चेंज कर दें थोड़ा सा ई म्यू कर दें और एल बीटा बीटा बार और बिकॉज आई वांट टू टेक ई म्यू आउटसाइड सो टी बीटा एल म्यू अल्फा बार ये कैसे हुआ ये पहले गलत दिखा ठीक है अच्छा अब अगर आप देखें तो आप इस सारे में से ई म्यू को बाहर निकाल सकते हैं सही सो ई म्यू एम यू लाइक दिस राइट एंड अच्छा और ये जो चीज थी ये थी गामा बार अल्फा बार बीटा बार ई गामा बार इसका ऊपर वाला इंडेक्स न्यू होना चाहिए क्यों ये तो वही है यहाँ पे आ रहा है यहाँ पर तो पहले से न्यू था ये तो क्रिस्टोफल सिंबल के साथ था ना न्यू यहाँ पर न्यू था पहले यहाँ पर चेंज किया यहाँ पर दोबारा लिखते हैं यहाँ पर ये न्यू किया पहले यहाँ पर अल्फा था और यहाँ पे अल्फा था ठीक है ये डिफरेंट टर्म्स है इनके अपने डमी इंडेक्सेस हैं इसके जो डमी इंडेक्सेस हैं उसमें हम इसको न्यू और इसको न्यू कहते हैं वहाँ ठीक है सो उसके बाद हमने इसको बाहर देखा राइट अच्छा सो अब जो ये वाली टर्म है ये वाली जो टर्म है इसको हम ऐसे लिख लेते हैं एल म्यू कैमरा बार ई म्यू बार ठीक है इसको ट्रांसफॉर्म करें क्वेश्चंस सो अगर आप इन दोनों को कंपेयर करें तो आपको ये मिलता है अभी देखें यू है उधर ई म्यू है if this is to hold for every basis right and then so then this must be true that t gamma bar alpha bar beta bar l mu gamma bar
is equal to, m of r alpha bar beta bar n mu gamma bar. Yes. That is equal to L beta beta bar L alpha alpha bar gamma mu alpha beta plus L beta beta bar D beta L mu. अच्छा जी अब क्या करें we still don't have the transformation properties of gammas themselves. Yes. अब क्या करें साहब सही गैमा को खत्म करने चाहिए किस गैमा को खत्म करना चाहिए खत्म कर दे इसको गैमा कहते हैं इसको एल कहते हैं एल को खत्म करें चलो ठीक है एल को कैसे खत्म करें तो देखो इन्वर्स कौन बताएगा इसका ठीक है सो क्या लिखें इसको दोनों तरफ एल ए मैंने ए लिखा हुआ है बिकॉज आई रेड आउट ऑफ सिंबल्स सो न्यू सो ये आपको डेल्टा गैमा बार ए बार देते राइट अच्छा सो अगर ये डेल्टा गैमा बार ए बार देने का तो ये ए बार बन जाएगा सो दिस इज ए बार ए बार अल्फा बार थीटा बार एंड देन इक्वल टू एल ए बार म्यू एल थीटा बीटा बार एल अल्फा अल्फा बार गैमा म्यू अल्फा बीटा तो ये वो टर्म है जो इसको टेंसर की तरह चाहता हूँ राइट प्लस जो एक्स्ट्रा टर्म है एल ए बार म्यू एल बी बीटा बार डी बीटा एल म्यू एल बार सो अगेन अगर ये टर्म ना होती तो देन दिस वुड बी अ फंक्शन questions so आप इसको ध्यान में रखें एक ये ट्रांसफॉर्मेशन हो गई और एक ये पहले टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन राइट alpha bar plus gamma alpha bar mu bar beta bar v mu bar now I'm going to write from that second line over there and from this line over here and so these become so ye ban jate hain l alpha bar alpha d beta v alpha plus l beta beta bar d beta l alpha bar alpha v alpha by the way जब मैं इस तरह से लिखता हूं तो आपको ये इस तरह से बन जाएगा राइट ये should be clear from whatever I did अगर ऐसे लिखा okay और इसकी ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो होगी प्लस एल अल्फा बार म्यू एल बीटा बीटा बार एल अल्फा म्यू बार गैमा म्यू अल्फा बीटा प्लस एल अल्फा बार म्यू एल बीटा बीटा बार डी बीटा एल म्यू म्यू बार और L mu bar B V V
अच्छा ये वाला जो L mu bar है और ये वाला for example ये आपको ये वाला भी और अगर कुछ और है तो वो भी आपको delta function है conical delta ठीक है और let me just write it down here और उसमें अगर कोई question है तो फिर आप पूछ लें so L beta beta bar L alpha D beta V alpha ये पहली term है ठीक है इसको तो वैसे हमने रखना भी ऐसे ही है plus L alpha bar mu L beta beta bar और delta alpha mu delta alpha beta alpha b it's too long for the second word. कौन से एग्जाम से है ना यहाँ से आ जाता है ये से इसका आखिरी वाला हाँ इसका आखिरी वाला अच्छा बिल्कुल ठीक है क्योंकि because I want this term here ठीक है ये जो दो terms हैं ये मिलके हमें transformation देंगे और बाकी दो terms cancel हो जाएंगे ठीक है so ये वाली term लिख रहा हूँ alpha bar mu beta beta bar and then this with this will give me delta alpha b or gamma mu alpha beta or dv fine so this is one these are first two terms so ye dobara kya se ye ye term hai aur any question there okay और इनके साथ आपके पास दो टर्म्स और हैं एल बीटा बीटा बार पार्शियल बीटा अल्फा बार अल्फा वी अल्फा प्लस एल अल्फा बार म्यू एल बीटा बीटा बार डी बीटा एल म्यू म्यू बार एल म्यू बार alpha bar click on alpha bar mu beta bar beta b alpha mu l mu bar b okay so there is another thing ab agar aapke paas ye cheez ho b beta l alpha bar mu L mu mu bar what is this thing? Zero. This must be zero, right? Yes. Haji, this must be zero, right? And but this is equal to partial B L alpha bar mu L mu mu bar plus D D beta L mu mu bar. L alpha bar and so we can exchange one of these terms for the other with a negative sign right ab aapke paas hai d beta mu mu bar right or l mu b v l alpha mu but anyhow so what you're going to do is that you're going to take this term and replace it with the other term over here with a negative sign. अब सिर्फ इन last two terms को देखें. Last two terms. Okay. So L beta beta bar G beta L alpha V alpha minus D beta L alpha bar. Sorry, mu
L mu, mu bar, L mu bar B, L beta, beta bar B. So after exchanging that term, I can write the whole thing like this, the last two terms. Should I let you look at it for 10 seconds? Is there a Gufran in this class? No, there is a Gufran. There was the Afnan guy, right? जी ठीक है आपको ऐसे बैठ के इसको थोड़ा सा सांस लेके एक बार देखना पड़ेगा वो आप बाद में जब जाए तो वो देख लेंगे अर्लियर आई वाज थिंकिंग ऑफ गिविंग दिस एज अ होमवर्क बट देन दिस इज ऑफ क्रूशियल इंपॉर्टेंस सो आई थॉट मेबी आई शुड डू इट क्लास ठीक है अच्छा ये टर्म इधर माइनस अगर आप इस टर्म को g beta l alpha bar mu यहाँ पर
अब ठीक है अल्फा बीटा कहाँ है उसमें अच्छा अल्फा बीटा बीटा म्यू बीटा म्यू ठीक है फाइन कौन सी टर्म क्या मतलब क्या लगी मतलब कौन सी टर्म अच्छा यहाँ से देख रहे हैं ना ठीक है इसको दोनों को म्यू कर दिया राइट ये अल्फा अल्फा था इसको म्यू म्यू कर दिया ठीक है और ये तो वैसे ही वैसे लिखी है एनीहाउ any questions? Sir, इसकी सबकी motivation क्या थी हम क्या proof कर रहे थे? That's a good question, isn't it? That's a classic example of how people get lost in mathematical manipulations and symbols, especially when there are three board or four board being used to prove a result. हाँ जी क्या कर रहे थे फिर? हम देख रहे थे कि ये जो चीज लिखी हुई है ब्रैकेट्स में इसकी अपनी ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर्टीज क्या है तो क्या पता लगा हमें इट डज ट्रांसफॉर्म लाइक अ टेंसर बट विच रैंक टेंसर रैंक टू विच रैंक टू टेंसर वन वन सो इट ट्रांसफॉर्म्स लाइक अ वन वन टेंसर ओके सो इट मस्ट बी It must, yeah. Sir, ये तो हमें पता है कि tensor वो चीज़ है जो transform करती है tensor की तरह. क्या क्या हुआ क्या हुआ? Tensor is something that transforms like a tensor. But the thing that is not a tensor जो tensor नहीं है, मतलब उसको physically हम लोग किस तरह से distinguish कर रहे हैं कि मतलब एक चीज़ मैं कह रही हूँ कि ये इस पर indices हैं लेकिन ये tensor नहीं है क्योंकि ये tensor की तरह transform करता है. नहीं करता जब आप उसको transform करते हैं उसमें extra terms आ जाती हैं. लेकिन एक मैं इसका मतलब ये है के जैसे कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्म करते हैं वेक्टर के ठीक है खास तरीके से ट्रांसफॉर्म करते हैं ना सपोज आप रोटेशंस करें आप एक कोई ऑब्जेक्ट लें आप रोटेशंस करें और रोटेशन करने के बाद जब आप दोबारा उस क्वांटिटी को देखें तो उसमें एक्स्ट्रा टर्म्स आ जाए सिर्फ उस तरह से चेंज ना हो जैसे एक वेक्टर के कंपोनेंट्स चेंज होते हैं तो आपको पता लग जाएगा कि वेक्टर नहीं है वेक्टर के कंपोनेंट्स नहीं है सर वी कैन एक टेंसर होता है Too late to ask that question. लेकिन टेंसर अच्छा हाँ जी चलो कहा जाने फिर मुझे आप ही शुरू हो जाइए मेरा ख्याल बिल्कुल चल रही है हाँ जी उस्मान टेंसर क्या होता है नहीं नहीं आप बताओ टेंसर क्या होता है मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट विच ट्रांसफॉर्म्स इनटू टेंसर नहीं ये तो फिर वही ऐसी बात ही होगी ना ये एक बात कर दी आपने आप बताओ वेक्टर को आर्गुमेंट के तौर पे लेके एक रियल नंबर प्रोड्यूस करता है करीबन ठीक है लेकिन ये उसकी एक टेक्निकल सी डेफिनेशन है हम कर क्या रहे हैं हमें चाहिए क्या हमें जब हमारे पास एक कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशंस हो रही है हमारे पास जितने चाहे आप कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशंस कर सकते हैं लेकिन आप चाहते हैं कि आपकी फिजिक्स इस बात पे डिपेंड ना करे कि वो कोऑर्डिनेट्स के ऊपर डिपेंड ना करे कि भाई एक बंदा एक कोऑर्डिनेट्स यूज कर रहा है दूसरा ऑब्जर्वर जो है वो कोई और कोऑर्डिनेट्स यूज कर रहा है वो कह रही फिजिक्स अब कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड करने लग जाएगी तो आपकी फिजिक्स अपनी हो जाएगी आप यहाँ पढ़ने मत आए घर बैठ के फिजिक्स अपनी पढ़ते रहे आपकी अपनी फिजिक्स है ठीक है फिजिक्स हम यहाँ बैठे इसलिए पढ़ रहे हैं कि फिजिक्स इज समथिंग दैट इज आउट देयर देयर इज एन अजम्पशन कि देयर इज अ रियलिटी दैट यू ट्राइंग टू एक्सेस और इस लेवल के ऊपर रियलिटी ये है कि एक कंटिन्यूम है और कंटिन्यूम में जब आप डिस्क्राइब करना चाह रहे हैं और आपके पास ये सारे कोऑर्डिनेट सिस्टम मौजूद है तो आप ऐसे ऑब्जेक्ट्स चाहते हैं जो कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड ना करें सो कॉन्ट्ररी टू व्हाट यू गाइस आर सेइंग टेंसर आर थिंग्स विच डू नॉट डिपेंड ऑन कोऑर्डिनेट्स सो जब आप कोऑर्डिनेट्स चेंज करते हैं आप चाहते हैं कि जो इक्वेशंस आपने लिखी हैं उनको इस बात से भी मसला ना हो कि कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं एफ इज इक्वल टू एम ए आप वेक्टर्स में क्यों लिखते हैं इसलिए कि आपके पास बैकग्राउंड में एक आर थ्री मौजूद है और उसमें आप जो चाहे कोऑर्डिनेट्स रख लें आप जो चाहे बेसिस वेक्टर ले लें आप कोऑर्डिनेट्स को अगर बेसिस वेक्टर कहना चाहते हैं बेट जब आप एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं साथ आप कोई बेसिस वेक्टर सिस्टम लेते हैं कोऑर्डिनेट बेसिस कहते हैं वो मिलते हैं लेकिन आपके पास कोई बेसिस सिस्टम है कोई बेसिस वेक्टर्स है राइट आप चाहते हैं कि इस बात पे बात डिपेंड ना करे कि मैं बेसिस वेक्टर ये लिए या वो लिए या ये लिए तो आप कहते हैं वेक्टर इक्वेशन लिखूंगा आप जो मर्जी बेसिस ले लें वो इक्वेशन चेंज भी होगी ठीक है लेकिन जब आप
बेसिस चेंज करते हैं तो वेक्टर तो चेंज नहीं होता लेकिन उसके कॉर्ड उसके कंपोनेंट्स चेंज हो जाते हैं, लेकिन वो कंपोनेंट्स एक खास तरीके से चेंज होते हैं। अगर वो उस तरीके से चेंज ना हो तो वो वेक्टर नहीं होता, फिर वो इक्वेशन जो आपने वेक्टर इक्वेशन लिखी हुई है वो इनवेरिएंट नहीं रहेंगे, क्योंकि आप किसी भी बेसिस सिस्टम में उसको देख सकते हैं ना, एफ इज इक्वल टू एम ए ले आप और आप इसका डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं दोनों तरफ, आपने एफ इज इक्वल टू एम ए लिखा राइट। अब आप इसका किसी भी यूनिट वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट ले लें एन डॉट एन, सो ये इक्वेशन बन जाएगी एफ एन इज इक्वल टू एम ए एन, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, एफ इज इक्वल टू एम ए को कोई फर्क नहीं पड़ता राइट। लेकिन अगर ये आप कोई और बेसिस लें और फिर आपको ये इक्वेशन ना मिले नीचे वाले कोई एक्स्ट्रा टर्म्स आ जाए तो फिर इसका मतलब है कि वो वेक्टर की तरह ट्रांसफॉर्म नहीं कर रही थी, वो वेक्टर नहीं थी राइट। सो किसी चीज में सिंबल होने से किसी चीज में इंडेक्सेस होने से फर्क ये पता नहीं लग जाता कि वो टेंसर है ठीक है आप। और फिर तो फिर हम कहते हैं शुरू कहां से करें, वेक्टर तो हो गया आपको पता लग गया वेक्टर क्या है, बाकी वो फिर आप कहते नहीं कि आप एक डुअल वेक्टर्स की स्पेस बना सकते हैं, फिर आप टेंसर की स्पेस बना सकते हैं, जैसे सारी कोई वेक्टर स्पेसेस हैं उनकी बेसिस हैं उनमें आप ऑपरेशंस कर सकते हैं, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जो मोटिवेशन आपकी थी वो ये थी कि आप इक्वेशंस ऐसे ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में लिखें जो कोऑर्डिनेट्स पर डिपेंड ना करते हो, समझ ठीक है, तुमने आखिरी क्लास में इसकी लेकिन उससे तो पहले ही हम कर चुके थे सर। ये वाली चीजें तो मुझे वो पता है लेकिन वो एक पता नहीं फिजिकली मैं सोचने की एक इट्स अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड सो या सो ऑल फिजिकल क्वांटिटीज हैव टू बी टेंसर्स फिजिकली बीइंग परफॉर्मड सो लाइक इफ समथिंग इज नॉट अ टेंसर दे माइट नॉट हैव This statement would be sort of true, yes. So we don't have to think about what they are, they're just objects. Yeah, physical quantities are things which don't depend on your coordinate system. Yes. Okay. Mm-hmm. So we have a sense of that we have a asani provided that we have an equation in the end. Now we have a question in process for the end. अब हम उसमें ना फिर बताने की जरूरत कोऑर्डिनेट्स का एक्सप्रेशन ये होता है जैसे हम करें डाइवर्जेंस के एक्सप्रेशन एग्जैक्टली। सो आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि आप किस कोऑर्डिनेट सिस्टम में काम कर रहे हैं और उसमें इक्वेशन क्या है, प्रोसेस क्या है वो उसको करें, तो आप अंडरलाइन जो फिजिक्स है उसको बड़ी आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। सो अब ये जिस चीज तो अब इसकी ये जो चीज़ आपने लिखी हुई है इसको पार्शियल बी बाय पार्शियल एक्स बीटा राइट इसको अब हम ऐसे लिख देते हैं वी, और इसके लिए हम ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके लिए हम एक नई नोटेशन बनाएंगे, जैसे हमने पार्शियल फाइ और पार्शियल एक्स बीटा इसके लिए नोटेशन बनाएंगे ना फाइ कॉमा बीटा राइट, इसके लिए हम नोटेशन बनाएंगे कि ये वो वहाँ पे सो ये जो चीज़ है ये इसके इक्वल है और ये जो चीज़ें हैं हमने अभी प्रूव किया है कि ये चीजें एक वन वन टेंसर के कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, उस वन वन टेंसर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो चीज हमने लिखी हुई है पार्शियल सॉरी ये जो चीज हमने लिखी हुई है सो ये नोटेशन है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ठीक है, और अगर आप इसका अल्फा कंपोनेंट ले लें तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो ऑब्जेक्ट बनाया है हमने
ये चीजें इसके कंपोनेंट्स हैं। बाकी ये नोटेशन है, इस तरह से भी आपको लिखा हुआ नजर आएगा, इस तरह से भी लिखा हुआ नजर आएगा। बेसिकली एक नई चीज आपने बनाई, ठीक है। ये वो चीज है जिसके कंपोनेंट इस बेसिस में ये है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड द कोवेरिएंट डेरिवेटिव ऑफ वी। This is going to be absolutely important for us. So, basically, हमने जो चीज बताई है वो ये है कि आप सिर्फ एक फील्ड का ही ग्रेड, स्केलर फील्ड का ही लेस से ग्रेडियंट नहीं ले सकते, बल्कि अगर आप चाहें तो आप वेक्टर फील्ड का भी एक तरह से ग्रेडियंट ले, ठीक है। आप किसी भी टेंसर का ग्रेडियंट सॉर्ट ऑफ थिंग ले सकते हैं, राइट। सो ये ऑपरेटर है क्या? ये ऑपरेटर ये है कि आप अगर इसको जैसे अभी हमने कहा है कि अगर इसको हम 1 0 जो वेक्टर स्पेस है उसमें से कोई ऑब्जेक्ट दे देते हैं तो ये हमें 1 1 ऑब्जेक्ट देता है, राइट। जब पार्शियल डेरिवेटिव था वो ये किया करता था ना कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स कि आप उसको एक वेक्टर दिया करते थे, वो आपको एक 1 1 टेंसर दे दिया करता। अब आपने आर्बिट्री कोऑर्डिनेट्स के लिए वही ऑपरेटर दोबारा कंस्ट्रक्ट कर दिया कि आप इसको कोई वेक्टर दें, जैसे आपने इसको एक वी वेक्टर दिया और ये हमें एक 1 1 टेंसर दे देता है जो हमें डेल, जिसको हम डेल वी कहते हैं, कोवेरिएंट डेरिवेटिव ऑफ वी कहते हैं। इन जनरल हम ये चाहते हैं और ये सॉर्ट ऑफ आप चाहें तो इसको एक दो चीजों के लिए हम प्रूफ करेंगे, बाकियों के लिए हम इसको जनरली मान लेंगे कि अगर आप इसको एक एम एन टेंसर दे दें, राइट, तो ये आपको एक एम एन प्लस वन टेंसर दे देता है। अगरचे अभी हमने देखा नहीं है कि हमने इसको अभी तो हमने सिर्फ वेक्टर्स के ऊपर इसकी एप्लीकेशन देखी है, वेक्टर्स के ऊपर कैसे अप्लाई करेंगे, लेकिन हम बाद में इसको जनरलाइज करेंगे और आप देखेंगे कि आप किसी भी टेंसर पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। और जब भी आप इसको किसी टेंसर पे अप्लाई करेंगे और वो एम एन टेंसर होगा तो ये आपको एम एन प्लस वन टेंसर देगा, ठीक है। और बाकी प्रॉपर्टीज इसकी सारी डेरिवेटिव वाली मौजूद है। मिसाल के तौर पर डेरिवेटिव की पहली दो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या होती है अब्दुल्ला? सवाल नवा नहीं पहुंचा तुम तक साहब? सवाल क्या है? एक जवाब का सवाल है। जो डेरिवेटिव ऑपरेटर है उसकी पहली दो बड़ी खसूसियात क्या होती है? पहली तो लिनियरिटी, ठीक है। दूसरी, दूसरी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अरे बाबा, हाँ फाइन, अभी तो तुम बताने लगे लाइक दिस प्रोडक्ट, राइट। So, product rule, okay, fine. What do you mean by this? So, उसमें ये properties मौजूद, इसमें ये properties मौजूद है, ठीक है? तीसरी बात, अगर इसको मैं phi के ऊपर apply करूँ, right? So basically phi है क्या? Phi 0 0 है, तो कहाँ पे जाना चाहिए? 0 1 पे जाना चाहिए। So what is del phi? इसको हाँ one form तो है। Let's say ये क्या है? ये क्या होगा? Gradient होगा, not phi. क्यों gradient क्यों होगा? It will be this. The reason is that the scalar field does not depend on the basis. ठीक है, the components of a vectors do depend, components of a vector do depend on the basis, right? But this thing does not depend on the basis, and so the partial derivative gives you the covariant derivative, right? So ये इसकी तीसरी property है। इसके अलावा और
कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हम बम्प के साथ उनके आदि शायद उनको निकालते हैं, राइट। सो बेसिकली इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, और कितने लोगों को समझ आएगी ये बात, दिस थिंग सारे लोग जिनके सारे हिल रहे हैं वो आरईडी वाली क्लास में थे आए थे, बाकी लोगों को अभी आ गया, ठीक है। लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं, वेक्टर्स का नो, ये बात कहाँ से, ये बेसिकली वन फॉर्म को लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख देते वेक्टर्स के, तो हम इसलिए कहते हैं कि वो एक टेंसर है। I'm not sure what you're saying. This has a meaning. Yes. These are the meaning, and the components of this thing are just this. Yes. And those of these two things are the same. Yes. In all bases. अच्छा एक चीज जो हम बाद में use करेंगे, अभी क्योंकि थोड़ा सा वक्फा आया है दरमियान में, before I start the next thing, वो चीज मैं discuss करना चाहता हूँ, it's going to be very important. आप चाहें तो हर चीज को बहुत rigorously और बहुत टेक्निकली साउंड वे में डिराइव कर सकते हैं, राइट। लेकिन देर आर शॉर्ट टू शॉर्ट कट्स अवेलेबल स्पेशली फॉर द अंडरग्रेजुएट्स, राइट। एंड वन ऑफ द शॉर्ट कट्स इज लाइक आपने वेक्टर प्रूव करते हुए अगर आपको किसी ने कहा कि भाई ये प्रूव करो कि ए डॉट बी क्रॉस सी इज द सेम एज ए क्रॉस बी डॉट सी, राइट। और आप जनरली तीन वेक्टर लेके किसी बेसिस में शुरू हो जाए, राइट। और तो काफी लंबा काम हो जाए, उसके बजाय आप करते क्या है, नहीं इंटरसोलेशन तो करते हैं, लेकिन उसके अलावा अगर मैं किसी बेसिस में ही कहूँ कि आप काम करें, बेसिस में ही कहूँ कि काम करें, लेकिन आमतौर पर जब आपने इसको किया था किसी वक्त किया होगा कोई 100-200 लेवल का कोर्स होगा जिसमें आपने ये किया होगा, कैसे किया, नहीं वो भी नहीं है, मैं कह ये रहा हूँ कि आप एक खास बेसिस लेते हैं, वो हाँ कार्टेशियन बेसिस लेते हैं, खास बेसिस लेते हैं, उसमें क्या करते हैं आप ए को सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग ले लेते हैं, बी को आप कहते हैं अच्छा हम बी कोई भी बी कहीं भी हो सकता है, लेकिन आप उसको ऐसे लेते हैं, आपने कोऑर्डिनेट्स ऐसे चूज करते हैं कि बी एक प्लेन में आ जाए, तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, सो ये ए हो गया ये बी हो गया, और फिर सी अकेला एक ऐसा वेक्टर आ जाता है जिसके तीन कंपोनेंट्स हो, आप उसमें इस इक्वेशन की वैलिडिटी प्रूफ कर देते हैं, और फिर आप कहते हैं कि ये इक्वेशन जनरली प्रूफ हो गई, राइट। सो अगर आप एक इक्वेशन कोई एक रिलेशन किसी एक खास कोऑर्डिनेट सिस्टम में या एक खास बेसिस में प्रूफ करें और फिर उसको वेक्टर रिलेशन बना दें, तो वो सारे कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए और सारे बेसिस के लिए प्रूव हो जाता है। हम इस बात को बहुत ज्यादा यूज करेंगे इसको, जब हम किसी एक जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में हम कोई चीज यूज करेंगे उसको बनाएंगे, फिर हम उसको एक टेंसर इक्वेशन में कन्वर्ट कर देंगे, जब वो टेंसर इक्वेशन बन जाएगी हम कहेंगे अब ये हर फ्रेम में वैल्यू है, क्योंकि हमारे लिए चीजों को प्रूव करना कार्टेशियन सिस्टम में बहुत आसान है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। वहां पर गैमर्स जो है सारे सारे जीरो, राइट। सो आपके लिए कोई भी डेरिवेटिव होता है वो सिंपल पार्शियल डेरिवेटिव, आप कोई इक्वेशन पार्शियल डेरिवेटिव में करें और उसके बाद जहां जहां कॉमा आ रहा है उसको कोलन से सेमीकोलन से रिप्लेस कर दें और फिर कहें कि ये टेंसर इक्वेशन बन गई है, नाउ इट्स वैलिड इन एनी फ्रेम। ये ऐसे ही है जैसे आप कोई इक्वेशन आपको पता ना हो, आप किसी कोई इक्वेशन करें और आप कहें कि 5+3 जो है 6+4 जो है 6+3 के इक्वल होता है, फिर आप कहें लेकिन ये तो सिर्फ इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ऐसे नहीं है, चूंकि दोनों तरफ स्केलर्स हैं मस्ट बी ट्रू इन एनी कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो 5+4 इज इन जनरल इक्वल टू 6+3, ठीक है। तो इस तरह की बात कर रहे हैं,
Sir Ram's second law of induction. If something is true for in two cases, it is true in all cases. Yeah, unless somebody sat down and first constructed two cases and it was true. Anyhow. अच्छा अब एक दो चीजें हैं बिफोर आई स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द कोवेंट रिलेटिव ऑफ वन फॉर्म एंड टेंसर्स देयर आर कपल ऑफ थिंग्स दैट वी हैव टू डिस्कस फॉर दैट. अच्छा अब ये देखिए ये इसका एक एग्जांपल है जो मैंने आपको लिखा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में डाइवर्जेंस क्या होती है डाइवर्जेंस ऑफ बी इन कार्टेशियन L is just B alpha comma alpha, right? अच्छा, लेकिन चूंकि इसमें गैमा जीरो है, तो मैं कोई गैमा B ऐड करके मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ B alpha इस इक्वेशन में. But now this is a tensor equation. Must be true in all reference frames. So in general, divergence of B vector is given by this relationship, right? So what is this thing equal to? This thing in general is equal to B alpha comma alpha plus B beta gamma alpha alpha. See again? So that's the formula for the divergence of a vector B in arbitrary coordinate system. I'll give you an example in a moment. Let's first see what the Laplacian is. So Laplacian, for the Laplacian is the divergence of the gradient of a scalar field, let's say. Okay? And so this thing is also given by this symbol. And so what is grad phi, right? So this thing is del phi, and so del phi alpha is d alpha phi. And so d phi alpha comma alpha, this thing is equal to d alpha phi, plus gamma alpha alpha beta. So that's how you write Laplacian in arbitrary coordinates. For example, in polar coordinates, d alpha phi is just d alpha beta d beta phi, right? And so, we've done that. So, for example, d r of phi is just d phi by d r, and d theta of phi is 1 over r squared, partial phi by partial theta. Right? Yes. These are the components of the vector field. Guys, remember that? Questions there? The front? Keegan? You enjoy it. Okay, so what is d alpha phi? Well, this is equal to dr, partial r phi, plus partial theta phi, and we know what partial r phi is, and so this is partial squared over partial r squared plus 1 over r squared partial square phi over partial theta squared. Right? Guys,
Is that the answer? What's that? Yes. Still have this term. So, ये क्या बनेगी? ये बनेगा alpha alpha beta t beta phi. What is this equal to? R R R P R phi plus T R R theta T theta phi plus T theta theta R T R phi plus theta theta. But of course, this is zero, and I think this is zero, right? And this is zero. And this thing is 1 over r. And so you get 1 over r d phi by dr. And hence, del squared phi, this is equal to partial squared phi over partial r squared plus 1 over r squared partial phi by partial theta squared plus 1 over r partial phi over partial r. Right? And now you know where this term comes from. What we want to do is that we want to compare vectors at two different places.
we will show that in a curved space, basically vectors don't come back to themselves when you bring them along a closed loop in general, right? And so if you bring them along different loops, they will come back with different vectors. So there is no unique notion of what is a parallel transform. So in, for example, in flat space, if you take a vector along any path, keeping it parallel to itself, it will come back to itself. It doesn't matter which path you come back from. And so if you have two vectors and you want, oh, I want to take a derivative, you just take two vectors in two different places, you subtract them, you divide by the the parameter difference, and then you take that parameter difference to zero. And so all this time, this difference of vectors is sort of defined, right? It doesn't happen. So you want sort of a notion of how to bring one vector into another. For that, you need a notion of a connection. Connection gives you covariant derivative, right? So there are different connections. There are different choices for the connections. The choice for the connection is not unique, right? What we are doing is that we're going to define the connection via the metric, because the metric is absolutely vital for us, right? So you could either do that, or you could just be quiet about it, don't talk about it, and just show that this is one way of doing it, and just take that to be the way of doing it, right? And so what was the question to me? So then, if you wanted to come the other way, you could define the derivative operator by its properties. You could say that I want an operator that takes an Mn field, gives me an Mn plus 1 field, is linear, is product rule, and so there are some other properties that you have to know, and then you can uniquely define it. Come out with exactly the one that you were talking about. If you say that the covariant derivative of the metric has to be zero, which means that as you move along, don't change lengths. Did it make sense? Right? So again, the question was, why do you want all of these properties to be satisfied by the derivative operator? It wouldn't call a derivative operator if it didn't satisfy sort of some of the cardinal properties. Okay. So this thing is T beta P alpha V alpha, and now this thing can be converted into a covariant derivative if we were to subtract this term. So I can write this as V alpha, comma beta, minus gamma alpha, beta gamma, V gamma, right? Because this plus this is equal to that. So this is just this minus this. Okay? And so, now, if I were to rearrange things, so this becomes d beta p alpha plus p alpha v alpha double p alpha v alpha semicolon beta minus p alpha gamma alpha beta gamma v gamma, and I should have done it ago, but let's see, d beta P alpha minus P mu beta alpha plus P alpha V alpha. Agree? Okay? But now we want, or our operator does follow the product rule. And so, if you P alpha, V alpha, if you did this, right, this would be equal to V alpha, beta plus V alpha, V alpha, right?
Now you compare these two equations. So on the two sides, you have the same thing. You have P alpha D alpha D term. And that tells you that P alpha beta is G beta P alpha. This is the term that we're talking about. And again, you have the same thing, mu beta alpha P mu, but now there's a yes. And now you can see what is happening. So I'm not going to do it, but you can generalize this for a mixed tensor, for example, this thing, d mu nu, semicolon beta, this will be equal to t mu nu, comma beta, plus t mu, okay, so this is going to be, so there's going to be a gamma and a t, and then there's going to be a gamma and t. So what you do is that you take one of the indices at a time and move it to gamma. So for example, let's move mu to gamma. So if you move this here, this becomes alpha, and so there's going to be an alpha and a beta, and then you're going to get a mu here. And then you take the next index, nu, you move this to nu, and then beta. I'm not sure which order I'm putting beta in, but that's specifically like this. Doesn't really matter. And then since I moved nu here, mu remains, and this becomes, let's say, alpha. And so if you're moving a downstairs index to the Christofle symbol, then you put a negative sign. If you're moving an upstairs index to the Christofle symbols, then you put a plus sign. So for example, if I were to do t mu nu colon beta, that would be t mu nu comma beta plus a gamma and a minus, because they're both of the indices are now downstairs, so minus a gamma and a t. So first let's move mu here, and then so mu is left here, and alpha and beta. Then let's move mu here, so mu is left here, and alpha and beta. By the way, you can sort of derive all of these things just the way I've written this. So आप इनमें से कोई भी चीज प्रूव कर सकते हैं तो अगर आप किसी मिक्स टेंसर का डेरिवेटिव प्रोबेबिलिटी डेरिवेटिव दे रहे हैं तो आपने सिर्फ यह ख्याल रखना है कि आपको अगर उसके कुछ इंडेक्सेस हैं जैसे तीन इंडेक्सेस हैं तो आपके पास तीन टर्म्स आएगी हर एक में गैमा और साथ टेंसर आएगा जिसमें आप एक इंडेक्स को जो कि टेंसर के होगा ऊपर आप उसको गैमा में मूव कर देंगे बाकी दोनों को वहीं रहने देंगे और इस बात पर मुनसर है कि अगर वो ऊपर वाला है तो उसके साथ प्लस साइन आएगा और अगर वो नीचे वाला है तो उस टर्म के साथ नेगेटिव साइन आएगा ठीक है सो बाय द वे अब आप ये देखें कि ये अगर एक 0-2 टेंसर था तो कोवेरिएंट डेरिवेटिव पे इसको एक 0 3 टेंसर बना दी अब अगर ये 1-1 टेंसर था तो अब ये 1-2 टेंसर बन गया दिस इज बेसिकली टेंसर एंड दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ दैट टेंसर क्वेश्चंस सो यहां रुक जाते हैं
and let's finish all of this discussion in the next lecture. अब ये रह गया है कि हमने इस गैमा के लिए एक एक्सप्रेशन निकालना है. अब देखिए ना, अगर आपको पता हो कि गैमा अगर आपको नोन हो, आपने ये देखा था कि अगर आपको सारी बेसिस वेक्टर के डेरिवेटिव्स पता हो सारे कोऑर्डिनेट्स के लिहाज से, जो कि आप ये कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाके कर सकते हैं, उसमें करने में कोई हल्त नहीं है, तो आप सारे गैमा निकाल सकते हैं, राइट. पर हमें पता है कि हर चीज़ जो है मैट्रिक के ऊपर डिपेंड करती है, ये मैट्रिकल प्रॉपर्टीज में है कि किस तरह से आपके बेसिस वेक्टर बनेंगे और जब आप एक कोऑर्डिनेट के नाउ मूव करेंगे तो कैसे चेंज होंगे, राइट. तो ये सरप्राइज नहीं होना चाहिए इस बात पे कि बेसिकली आपके पास एक रिलेशनशिप इन जनरल आप बता सकते हैं इन गैमा के लिए इन टर्म्स ऑफ द मैट्रिक एंड इट्स डेरिवेटिव. तो वो हम नेक्स्ट टाइम जो है उसको डिराइव करने की कोशिश करेंगे. बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट की रिलेशनशिप हर ऑब्जेक्ट की रिलेशनशिप होती है मैट्रिक्स. हर ऑब्जेक्ट की तो नहीं होती, जैसे वेक्टर है उसकी कोई रिलेशनशिप तो नहीं है मैट्रिक के साथ. अगर आपने उसकी लेंथ निकालनी है तो फिर आपको मैट्रिक चाहिए, क्योंकि लेंथ की कोई नोशन नहीं है. फिर अगर आपके पास आपको पता है, अगर आप एक रीजन ले लें तो आपको पता है कि उसमें कितने पॉइंट्स हैं, कौन कौन से पॉइंट्स उस रीजन के अंदर आते हैं, कौन से पॉइंट्स नहीं आते, इस बात का मैट्रिक से कोई ताल्लुक नहीं. लेकिन अगर उस रीजन से आपने कोई वॉल्यूम एसोसिएट करना है तब आपको पता होना चाहिए कि उनके दरमियान फासले कितने हैं, तो तब मैट्रिक आता है. जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो आपके पास एक टप्पे में, इस बात से तो फर्क नहीं पड़ता कि मैट्रिक क्या है, उनका नंबर तो चेंज ही होगा. इसके बेसिकली हम रिप्लेस कर सकते हैं इसको मैट्रिक और उसके डेरिवेटिव. हां, इस चीज एक भी है क्वेश्चन सर. आपने ये टी के एक दफा म्यू और अल्फा और एक दफा अल्फा, हो सकता है मैंने इनको गलती की हो, मैं ठीक कर लेना. हां, मैं ये पूछूं कि ये इनके ऑर्डर से कोई फर्क पड़ेगा टी के? ओह अच्छा, इसको पहले लिखें या इसको पहले लिखें, राइट. नहीं नहीं, जो टी की जनरल इसके ऊपर, हाँ इनके ऊपर तो ऑर्डर पे फर्क पड़ेगा. तो जिस जिसको आप रिप्लेस कर रहे हैं उसी उसको अपनी जगह पे रखना है, दूसरे को अपनी जगह पे रखना है. एक को आप रिप्लेस कर रहे हैं, दूसरे को अपनी जगह पे रखना है. वो पहला है तो उसको पहले ही रखना है, दूसरा है तो उसको दूसरा ही रखना है. तो सही, प्लस माइनस का फर्क किस तरह होगा? ये प्लस माइनस का फर्क आया कहाँ से, ये माइनस कहाँ से आया? नहीं नहीं, ये वो तो सही है, मैं पूछूँ मतलब ऊपर वाले ने आपने एक जगह पे प्लस लिखा है, एक में माइनस, तो ये किस तरह से देख रहे हैं? यही तो बता रहा हूँ, ये माइनस कहाँ से है, इसलिए कि ये नीचे वाला है. सही, जब वो ऊपर वाला था जिसको हम डिफरेंशिएट कर रहे थे, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट कर रहे थे, तो फिर माइनस नहीं आया, कहाँ गया वो, कहीं लिखा हुआ? सही सही, उधर नहीं लिखा, वो लिखा कुछ और लिखा हुआ, लेकिन अगर आप ऐसे इंडेक्स को मूव करते हैं गैमा के ऊपर, टेंसर के ऐसे इंडेक्स को मूव करते हैं गैमा के ऊपर, इन दोनों को मूव करना है ना बारी बारी गैमा के ऊपर जब आप डिफरेंशिएट करें, तो अगर आप नीचे वाले को मूव करेंगे तो नेगेटिव आएगा, जैसे यहाँ पे आया. ये मैंने प्रूव नहीं किया इन जनरल, अगर आप चाहें तो कर सकते हैं. मैं यहाँ से इसको जनरलाइज कर रहा हूँ, अगर नीचे वाला इंडेक्स हुआ तो आप नेगेटिव लगा दें, ऊपर वाला हुआ तो पॉजिटिव कर दें. अगर आप चाहें तो आपको वैसे एक कोई एक ले के कोशिश करनी चाहिए इसको कि ये चीज आप निकाल लें, जैसे वो निकला. एनी क्वेश्चंस? अगर आप इसको निकालना चाहते हैं क्या करेंगे, क्या करेंगे आप? न्यू न्यू है ना, तो एक वेक्टर फील्ड लें न्यू और एक स्केलर फील्ड लें न्यू. ये एक स्केलर बन गया, इसके ऊपर अप्लाई कर दें डेल बीटा. अब इन दोनों को डिफरेंशिएट करना आपको आता है, इस तरह से अरेंज करें ये फॉर्मूला बन गया. ट्राई इन फैक्ट होमवर्क एवरीबॉडी. Why don't we try it? Don't you know us? I know. Sir, आपने इसको B को scalar field में बोला? हाँ. आपने B को तो scalar field में बोला? कई बार जी. सर, वो scalar field से time हो सकती है? नहीं.
क्या कहा मैंने, वैसे मैंने उसको स्केयर रूट नहीं किया, क्या कहा उस बात आपने बोला, जैसे मैं उर्दू बोल रहा है ना तो उर्दू में सही तरीके से बोल लीजिए, उर्दू में बट बोला कुछ नहीं हुआ, ये एक स्लैंग है क्या बोला